हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी है क्रिकेट के दीवाने तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों हम राशिद खान के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राशिद खान जो कि एक छोटी टीम से उभरता हुआ सितारा यानी कि अफगानिस्तान का सबसे बढ़िया खिलाड़ी। दोस्तों राशिद खान ने अभी हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया है, और दोस्तों क्या कहा है उस स्टेटमेंट में वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहे। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी उलटफेर कर चुकी है, और दोस्तों राशिद खान जो कि इस टीम के नए कप्तान बने हैं T20 के लिए, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। और दोस्तों इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीत जाती तब तक राशिद खान शादी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपको हम बता दें कि राशिद खान ने यही कहा है कि जब तक अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीत जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगे। हम आपको बता दें दोस्तों कि 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी टीमों को परेशान किया था। जैसे कि भारत के खिलाफ उनका मुकाबला था तो भारत को काफ़ी कस्टमर्स करनी पड़ी थी अफगानिस्तान को हराने के लिए। हालांकि यह बात भी गलत नहीं है कि अफगानिस्तान अपने वर्ल्ड कप के 9 मुकाबले हार गई थी, लेकिन दोस्तों राशिद खान ने अभी यह स्टेटमेंट दिया है कि जब तक अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीत जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगे। दोस्तों राशिद खान जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं, ICC रैंकिंग्स की बात की जाए तो वनडे में वो नंबर 2 पे है, और T20 रैंकिंग में दोस्तों वो नंबर 1 गेंदबाज है। और दोस्तों राशिद खान गेंदबाजी के साथ साथ एक फिनचिटिंग का भी काम करते जो कि टीम के काफ़ी काम आती है। लेकिन दोस्तों आप अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राशिद खान के इस स्टेटमेंट के बारे में जरूर दें कि क्या राशिद खान का ये स्टेटमेंट कोई मायने रखता है या फिर उन्होंने सिर्फ मजाक में ये बोला होगा। आप अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।